भैया उठो। अरे आज लोग नहीं बनाओगे क्या? आधा दिन तो कट गया, 10:30 बजे उठ जाओ। मैंने कहा था कि एक नॉर्मल डे लाइफ पे व्लॉग आएगा, मेरे को मालूम है मैं बहुत लेट हो गया हूँ, एक हफ्ता लेट हो चुका हूँ। तो हाँ, ये व्लॉग में मतलब कुछ ज्यादा होने वाला नहीं, एकदम नॉर्मल व्लॉग होने वाला है कि एक मिडिल क्लास इंसान, मिडिल क्लास नीचे वाला इंसान, नॉर्मल इंसान करता क्या है पूरे दिन, और वही मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि मैं भी क्या करता हूँ पूरे दिन। फिलहाल मैंने ब्रश व्रश कुछ नहीं किया, मैं एकदम भी फ्रेश नहीं हूँ। तो हाँ, ब्लॉग पूरा देखना, मेहनत तो हर ब्लॉग बनाने में लगती है, तो हाँ पूरा देखना। शुरू करते हैं। सो डूड, सबके दिन की शुरुआत तो एक जैसी ही होती है, तो हाँ मेरी भी बस वैसी ही है। सो डूड, ब्रश करेंगे अभी हम, ब्रश ऐसे मैं ये वाला टूथपेस्ट से करता हूँ, दंत कांति मालूम ही होगा, पतंजलि रामदेव बाबा की जय हो। Really nigga? दिन का सबसे सुकून का काम नहाना। नूट सबसे डिफिकल्ट काम नहाते वक्त कैमरा को परफेक्टली सेट करना ऐसे एंगल पे कि उतना ही दिखे जितना ऑडियंस देखना पसंद करे। ब्रेकफास्ट बनाता नहीं हूँ, नहीं मैं खाना बनाता हूँ, पर आज मैं सिर्फ व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो मैं सोचा कि आज का ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से। वैसे डूड मेरे को और कुछ बनाना आता नहीं है, सिर्फ मैगी बनाना आता है, तो वो भी मैंने अभी अभी सीखा कैसे बनाते हैं, मैंने कभी बनाया नहीं है, तो हाँ मैगी बनाएंगे आज हम लोग। हम लोग मैगी डालेंगे इसमें, ये गया एक, ये गया दूसरा, ये गया तीसरा, ये गया चौथा, और ये गया बचा कुचा कचरा। वैसे डूड मेरा भाई बहुत ही सही साथ मैगी बनाता है। थैंक यू। हाँ तो मैं उसकी तरह तो मैगी बना नहीं पाऊंगा, पर मैं उससे अच्छा जरूर बनाऊंगा। Really nigga? Flagging out on private to get you down to the islands. And mine, show you off the levels out on Collins. I'll be... So dude, तुम लोग को पानी वाला मैगी पसंद है या फिर बिना पानी वाला, या फिर ऐसा कहूँ कि ग्रेवी वाला या फिर बिना ग्रेवी वाला, जरूर कमेंट करना वीडियो पे। मैगी बन चुका है, बहुत खुश हूँ मैं। ऑल्सो मैं ये कह रहा था कि हम लोग मैगी को थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, हम लोग इसमें विनेगर भी ऐड कर देंगे, सोया सॉस भी ऐड कर देंगे, रेड चिली सॉस भी ऐड कर देंगे, और एक मसाला मिलता है जो इंदौर में बहुत फेमस है जिसे जीरावन कहते हैं, वो भी ऐड कर देंगे। तो हम लोग सब कुछ ऐड कर देंगे और देखेंगे फिर उसका टेस्ट कैसा आता है।
काफी टेस्टी था तो मैं खा के तो हो चुका था। अब मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, चलो। सो ये मेरा घर है, स्वीट सिंपल छोटा सा। ये मेरा हॉल है, यहाँ पे ये सोफा है जहाँ पे बैठ कर मैं अपना आधे से ज्यादा काम करता हूँ, एडिटिंग एंड ऑल। काफी ज्यादा छोटा था तब खरीदा था इसे, दीवान बोलते अभी तक है ये हमारे पास। बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा स्टार्टिंग में यही से करता हूँ, लगभग मेरे बहुत आधे से ज्यादा व्लॉग्स में तो मैं यही से स्टार्टिंग करता हूँ। ये बेड और हाँ ये मेरा गिटार है जो बहुत टाइम पहले खरीदा था और यहाँ पे शिफ्ट होते वक्त इसे पैक किया था, उधर खोला नहीं है, तो इसका भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगा मैं। अनबॉक्सिंग वीडियो ये बस है जो मैं तैयार होने में यूज करता हूँ। यही से मैंने अपनी व्लॉग की शुरुआत की थी, सो के मैं उठा था और ये पर्सनल टेरेस है, यहाँ पे मैं बहुत सारी फोटोज खिंचवाता हूँ अपनी, जो इंस्टाग्राम पे देखी होगी मेरी फोटोज इंस्टाग्राम पे, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो करो tarun_official07। ये यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, मतलब सारी के सारी बिल्डिंग छोटी छोटी, हमारी बिल्डिंग बहुत लंबी है तो ये छोटी 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 बिल्डिंग दिखती है। वो मेन कलेक्ट्रेट ऑफिस है, हमारे एरिया को कलेक्ट्रेट बोलते हैं और ये ऐसे पूरा का पूरा देख सकते हो, हरियाली भी है। और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल है। हाँ यही गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे अच्छी अच्छी लड़की आती है। वैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, गेस करो कि मेरा घर कौन से फ्लोर पे है। एक और व्यू दे देता हूँ, जरूर बताना कौन से फ्लोर पे, कमेंट करना वीडियो पे। ऑलराइट, सो ये सब दिखा दिया। एक और बेडरूम है जो बाहर की साइड से उसकी एंट्रेंस है, तो वो हमने अपनी नेबर को दिया है, वो वहाँ पे पार्लर रन करती है, शी हैज अ पार्लर, तो वहाँ पे वो पार्लर का काम करती है, तो वो बेडरूम हम। ये है किचन, यहाँ पे मैंने मैगी बनाया था सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग के लिए, और बस किचन में कुछ दिखाने लायक है नहीं, यही है। कंप्यूटर भी है अच्छी खासी कंडीशन में, पर फिलहाल ये खराब है, तो जब ये ठीक हो जाएगा तो होपफुली मैं इसी से एडिटिंग करूंगा, फिलहाल तो मैं अपने मोबाइल से एडिटिंग करता हूँ। आई होप घर थोड़ा ठीक ठाक लगा होगा, लगा ही होगा। सो हम लोग एक्चुअली ग्राउंड अब नहीं जाते खेलने के लिए फुटबॉल, तो मतलब मैं नहीं जाता हूँ, तो मैं यहीं पे अपने बिल्डिंग के फ्लोर पे ही प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब फ्री स्टाइलिंग टाइप टाइम पास के लिए। तो अभी 4 बज रहे हैं बस, तो खेलेंगे अब हम लोग। Bottles on me, long as someone drink it, never drop the ball, fuck it, y'all think. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, that will knock me off track. No, no, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone, I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. वैसे हमारा टाइम पास करके हो चुका है फुटबॉल के साथ, तो आज मैं ये खा रहा हूँ, रोटी, टमाटर की सब्जी और पनीर की सब्जी। शूट कर रहे हो क्या? अबे इसका कौन शूट करता है यार, पढ़ने भी नहीं देता ढंग से, बाद में कर लेते ना शूट किसी और चीज का। ए उठो, पढ़ाई कर रहे थे ना तुम? पढ़ाई कर रहे थे ना? अबे तो हो गया ना पढ़ के, 10 मिनट में किसका होता है पढ़ के? अबे आधा घंटा पढ़ा मैं, भग। So dude, अभी शाम के 6 बज रहे और मेरी कोचिंग का टाइम 6:30 का है, तो मैं अभी 6 बजे ही निकल रहा हूँ, तो अब कोचिंग में मिलते हैं। हेलो
मैं अपनी कोचिंग पहुंच चुका हूँ. एक्चुअली मैं हाफ एन आवर पहले ही पहुंच गया क्योंकि मेरे को यहाँ पे वीडियो बनाना था अपनी कोचिंग का, और अगर मैं ऑन टाइम आता तो मैं नहीं बना पाता क्योंकि भीड़ बहुत रहती. और आपको तो मालूम ही है व्लॉग करते हैं तो लोग किस तरीके से देखते हैं आपको, तो हाँ इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया कोचिंग. सो ये है मेरी कोचिंग, बॉम्बे डाइंग बिल्डिंग वाली सबसे टॉप फ्लोर पे, अग्रवाल क्लासेस नाम है. सो डूड मैं अपनी क्लास के बाहर ही खड़ा हूँ टॉप फ्लोर पे. मेरे को एक्चुअली मालूम नहीं था कि यहाँ पे 5:30 के भी कोई बैच लगती है, तो हम लोग जिस क्लास में बैठते हैं मैथ्स लेक्चर के लिए तो हमेशा खाली रहती है मतलब ज़्यादातर टाइम. तो मैं सोचा मैं अंदर बैठ के ब्लॉग बना लूँगा, दिखा दूंगा कैसा क्या है अंदर से. तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं दिखा पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे 3 घंटे पढ़ूंगा और डायरेक्टली आप लोग को घर पे ही मिलता हूँ फिर. इन शॉर्ट जल्दी आना, वेस्ट रहा. Alright dude, so मेरी कोचिंग खत्म हो चुकी है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था तो मैं सोचा कि मैं यहीं पे आके शूट कर लेता हूँ. मतलब आज कोचिंग इतना था चोट हो गई, मतलब एक बंदे ने हमारे कोचिंग वाले सर के नाम पे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, वो पिज़्ज़ा एक्चुअली डिलीवर हो गया और वो एक 700 का पिज़्ज़ा था, एक ही लार्ज पिज़्ज़ा, मतलब हद होती है यार. Alright dude, so I'm finally home. तो अभी कुछ करने के लिए तो है नहीं, बस 2-3 काम है मेरे को, वो करूंगा मैं. और मैंगो शेक बनाया है मम्मी ने तो मैंगो शेक पीऊंगा, फिर खाना खा के सो जाऊंगा. Hey guys, what's up everybody? It's your boy Tarun back again with a new vlog. So dude, आज का व्लॉग भी काफी तगड़ा होने वाला है, मतलब कंटेंट बहुत ही भारी मिला है आज के लिए. क्या व्लॉग शूट कर रहे हो क्या? हाँ वैसे सो डूड मैं अपने नॉर्मल डे लाइफ में ऐसे व्लॉग शूट करता हूँ, मतलब जब भी टाइम मिलता है कोई भी टाइम हो रात को करता हूँ, और ऐसे पोर्ट्रेट करता हूँ कि दिन हो रहा है, मतलब करना पड़ता है काम के लिए जब जब टाइम मिले. ऑल्सो सो गाइज मैं स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ मतलब अपने व्लॉग के लिए, मतलब मैंने ऐसे मैं लिखता रहता हूँ तो हाँ लिखना पड़ता है क्योंकि एग्जैक्टली क्या करना है क्या क्या है वहां पे पूरा रिसर्च करके जाना पड़ता है. व्लॉगिंग इज नॉट एन ईजी जॉब, तो हाँ करता हूँ. और मैं ऐसे नॉर्मली फ्री टाइम में लिखता रहता हूँ स्कूल में, एक्चुअली स्कूल की बुक है तो स्कूल की बुक में लिखा है मैंने. तो मेरी रात हमेशा ऐसे ही ख़त्म होती है व्लॉग से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखता हूँ, एक्चुअली लिखता तो हूँ पर मोस्टली रात मेरी एडिटिंग करते करते ख़त्म होती है और एक वीडियो अपलोड पर रखते रखते. तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि व्लॉग पसंद आया होगा आपको. गाइस ये वाला व्लॉग बनाने में भी काफी मेहनत लगी है, सो डूड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जो मैं हमेशा बोलता हूँ. और बस मैं यही करता रहता हूँ नॉर्मल डेज पे, हालांकि मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा किया आज व्लॉग में दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ. तो हाँ अब मैच देखूंगा मैं वर्ल्ड कप का, आप लोग भी देखिएगा. तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय.